मुख्यमंत्री असम और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त द फॉलोअप कॉन्क्लेव 2024 में हैं और हम लोग सवाल जवाब का जो दौर है वो शुरू करेंगे हम लोग। और आखिरी में आप लोगों को भी हम लोग स्पेस देंगे, एक ओपन सेशन रखेंगे 10 मिनट का, आप शालीनता से अपने सवाल कर सकते हैं। एक जो खूबसूरती और बेबाकी हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ है वो ये है कि सवालों को ये लेते हैं, अपने तरीके से जवाब देते हैं। सारे राजनेता सवाल जरूर लेते हैं लेकिन जवाब अपने ही तरीके से देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, और चूंकि हम लोगों के जो ये सेशन है सर उसका नाम ही है कि झारखंड क्यों चाहिए, और झारखंड क्यों चाहिए नाम इसलिए रखा गया है कि ये जो 23 वर्षों का जो सफर है झारखंड का, इसमें ज़्यादातर समय बीजेपी ने रूल किया है, शासन में आप लोग रहे हैं, और अब चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो झारखंड में एक बातचीत हो रही है कि इस केंद्रीय जो नेतृत्व है उनके द्वारा हिमंता जी को एक टास्क दे दिया गया है, और टास्क तो ये टफ, तो क्या हिमंता जी जब यहां पे आ रहे हैं तो इनको टफ लग रहा है टास्क, या फिर मतलब लग रहा है कि चलो ठीक है ओडिशा में जैसे आपने कमल खिलाया आपको बड़ी जब देखिए जिम्मेदारी थी। मेरा लगता है कि साधारणतः झारखंड का जनता जी बीजेपी की साथ ही रहना चाहते हैं। मेरा जो 4 महीना का अनुभव रहा, जिससे भी मैं बात करता हूं उनका पहला पसंद बीजेपी है, लेकिन समय का कोई कोई चुनाव का माहौल होते हैं, साथे भी कभी कभी लोगों का मन में होते हैं कि देखो इस बार बीजेपी को ना दो, दूसरा को एक बार देके देखता हूँ। लेकिन इसका जो झारखंड स्टेट का जो डीएनए है, झारखंड का जो सामाजिक वातावरण है और जो लोगों का भाव है, मेरा लगता है ये ट्रेडिशनली एक बीजेपी स्टेट ही है, और मुझको नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाफ है। सुनाओ बहुत ज़्यादा टाफ नहीं होगा, हम हमारा लक्ष्य तक जरूर पहुँचेगा। लेकिन अगर हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासी सीएम है इसको आप लोग नहीं पचा पा रहे हैं तो बीजेपी को झारखंड क्यों चाहिए? देखिए पहला बात, झारखंड का निर्माण किसने किया था? हमारे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को निर्माण किया था। झारखंड को विकास का और ले जाने का दायित्व भी अगर सबसे ज्यादा किस कोई पार्टी का है ये बीजेपी का है, और बीजेपी और झारखंड का जो संबंध है ये संबंध ऑर्गेनिक है। असम को बीजेपी ने नहीं बनाया था, उत्तर प्रदेश को बीजेपी ने नहीं बनाया था, लेकिन एक बीजेपी के लिए हमारे जो पार्टी का और झारखंड का डीएनए है एक है। जब एक स्टेट को हम ही बनाया था, मेरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बनाया था, तो वो प्रदेश को विकास का और ले जाने का भी जिम्मेदारी हमारा पार्टी का पहले होते हैं। सर चूंकि आप बार बार इस चीज़ को कोट कर रहे हैं कि ये यहाँ का जो डीएनए है, जो नेचर है, वो बीजेपी के हिसाब का है, मूड का है, और चूंकि बीजेपी ने ही इस स्टेट को बनाया है अटल जी के दौरान, तो अब जब आप यहाँ पे घूम रहे हैं, जिन सवालों से गुजर रहे हैं, तो लोग आपसे तो ये पूछेंगे कि जब यहाँ का नेचर आपसे मिलता जुलता है, आपने स्टेट बनाया भी, आपने शासन भी किया, फिर भी ये सारे सवाल अब तक क्यों बने हुए हैं? देखिए मैं जो पहले आए थे जरूर कुछ सवाल था, अभी लोग मुझको कोई सवाल नहीं करता है। नहीं, अभी लोगों ये का पार्टी का सवाल नहीं, नहीं पार्टी को ही, धीरे धीरे लोगों को ये बात समझने में आ चुका है कि बीजेपी जो झारखंड को शासन देते हैं वो शासन एक सुशासन होते हैं। कोई सारा मुद्दा उठाया जाता है जब बीजेपी सरकार में रहते हैं,
लेकिन जो मुद्दा उठाया जाता है जब दूसरा पार्टी सरकार में आते हैं, वो मुद्दा को वो लोग समाधान करने का कोशिश भी नहीं करते हैं। तो लोगों का मन में अभी ये बात स्पष्ट रूप से जा चुका है कि बीजेपी ही झारखंड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। झारखंड स्टेट का 25वां सालगिरह आ रहा है। मेरा मानना है कि अगले 5 साल झारखंड को विकास का एक नया दौर में ले जाने के लिए बीजेपी सब कुछ करेगा। लेकिन आप लोग तो कॉपी पेस्ट में लग गए हैं। मैया सम्मान योजना में वो 1000 दे रहे हैं, आप 2100 का घोषणा। देखिए, यही बात अगर मैं हेमंत सोरेन जी को बताऊं, 2019 से मैं असम का माँ को 1250 रुपया दे रहा हूँ। हर महीना 10 तारीख बैंक का अकाउंट में चला जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने का बाद ICU जब मैं हूँ तब नहीं, जब मैं नवजातक संतान हुआ करते थे उसी समय से मैं मोहतारी वंदना योजना शुरू किया 1000 रुपया का साथ। शिवराज चौहान जी जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उन्होंने शुरू किया 1250 रुपया बैंक अकाउंट में जाने का सिलसिला। आज JMM किसको कॉपी पेस्ट कर रहे? हमें बीजेपी को ही तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। लेकिन सवाल तो इसीलिए हेमंत सोरेन जी को ये मान लेना चाहिए, जो ये स्कीम का जननी है वही सबसे ज्यादा ये स्कीम को अच्छा से इंप्लीमेंट कर सकता है। हेमंत सोरेन जी से यह संभव नहीं होगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस टाइप की जो स्कीम है जिसको लेकर के हेमंत सोरेन और उनकी सरकार क्रेडिट भी लेना चाह रही है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है मैया सम्मान योजना को लेकर के, आप स्कीम मान रहे हैं कि अच्छा स्कीम है? नहीं, स्कीम अच्छा है। हाँ। लेकिन 5 साल के लिए स्कीम है, चुनाव का समय लॉन्च करने का ये स्कीम नहीं है। तब तो ये स्कीम एक इलेक्ट्रल गिमिक बन जाते हैं। मैं जब असम में मुख्यमंत्री बना, आज शपथ लिया, कल से मैंने स्कीम को चालू कर दिया, अरुणोदय नाम है, 3.5 साल हो चुका है। लेकिन सर, आप नहीं देखिए, अब नियत सबसे बड़ा बात है। विष्णुदेव साई शपथ लिया, स्कीम को शुरू किया। मोहन यादव शपथ लिया, स्कीम को गति दिया। अभी चुनाव के लिए 2 महीना है। माइया का पब्लिसिटी में जितना पैसा खर्चा हो रहा है, इतना माइया का पास पैसा नहीं जा रहा है। अब 2 महीना एक स्कीम को आप 2 महीना चलाया, 2 महीना में जर्मन हैंगर भी लग चुका है, 2 महीना में सम्मान यात्रा भी शुरू हो गया। अरे 2 महीना में उस स्कीम का इंपैक्ट होते है क्या? आपको अगर देना ही है, महाराष्ट्र में हमने देना शुरू किया लेकिन बैक डेट से। हमने माताओं को बोला कि 1 महीना का पैसा से आपका कुछ नहीं होगा। तो महाराष्ट्र में हमारा सरकार यह प्रयास कर रहा है कम से कम 6 महीना का पैसा उनका बैंक अकाउंट में जाए। लेकिन समाज में एक तबका ये भी है जो ये सोच रहा है कि सरकार ये हमारे पैसे को फिजूल में खर्च कर रही है। आप सशक्त कर दीजिए लोगों को, लोग अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। देखिए, उसमें आर्गुमेंट है, खाली एक योजना से नहीं होगा। अगर मैं माताओं को मैया दे रहा हूं, हम लोग असम में क्या कर रहा हूं, थोड़ा असम मॉडल को समझिए। पहला, वही माताओं को मैं आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहा हूं, वही माताओं को मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दे रहा हूं, वही माँ का बेटी को कॉलेज में एडमिशन लेने से उनका महीना में 1000 रुपया दे रहा हूं, वही माँ का बेटी अगर अच्छा रिजल्ट करे उनको मैं स्कूटी दे रहा हूं। प्रयास ये होता है कि माइया से आप गरीबों का जो सक्र है वहां से आप बाहर नहीं निकाल सकता है। असम में हम लोग वही बेनिफिशियरी को तमाम सरकारी और स्कीमों से जोड़ा। रिजल्ट क्या हुआ, नीति आयोग का लास्ट आप रिपोर्ट देखिए, असम में हम लोग 80 लाख लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हमने बाहर करके ले आया। अगर आप मुझको पूछते हैं माइया का इंपैक्ट क्या है,
हेमंत सोरेन जी बता नहीं पा रहे पाएगा, लेकिन आप मुझको पूछे कि अरुणोदय स्कीम का असम में इंपैक्ट क्या है, द नेट इनकम, हमने असम से 80 लाख लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हम बाहर निकाले, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो ये माइया से काम नहीं चलेगा, हम असम में दो साल में 1.5 लाख नौकरी दिया। कल हमने और एक स्कीम लॉन्च किया कि जो भी युवा है नौकरी नहीं मिला है उनको हम 2-2 लाख रुपया दे रहा हूं, जैसे आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ 6 लाख बच्चा एग्जाम दिया, लेकिन मिलेगा तो 5,000 को ही नौकरी, बाकी 2,000 बाकी बच्चा का क्या होगा। तुरंत हमने फॉलोअप, आपका जैसा नाम फॉलोअप है, हमने तुरंत फॉलोअप स्कीम निकाला कि एक बेटा को हम 2 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया सरकार से राज सहाय होगा और 1 लाख रुपया 5 साल का बाद बिना बहस आप सरकार को रिटर्न करेगा और आपको मेरा लक्ष्य होगा सारे बेटा को मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लिंक अप करूं। मतलब ये जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं, एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो परीक्षा नहीं क्लियर कर पाएगा उनके लिए अभी नया एडवर्टाइज मेरा 5 तारीख को निकालेगा, 75,000 बच्चा को और 2-2 लाख रुपया देने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप करके भेज दूंगा। ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो क्या हिमंता बिस्व शर्मा जो लीड कर रहे हैं, लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो घोषणा पत्र आपका आने वाला है, ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। इस तरीके के आइडियाज पे तो काम होने ही चाहिए कि आप ये बोल रहे हैं कि वो युवा जो फॉर्म भर रहा है भले ही एग्जाम क्लियर ना करे, जो बच जाएंगे उनके लिए आप एक अलग से स्कीम लाएंगे, उनको चिन्हित करके आप बेनिफिट्स देंगे। मैं झारखंड को असम का रेप्लिकेशन नहीं बनाना चाहता हूँ। झारखंड का अपना एक संस्कृति है, झारखंड का अपना एक गौरवमय परंपरा है। तो मेरा विश्वास है कि झारखंड बीजेपी असम से भी बेहतर स्कीम लेके आएगा। लेकिन मैं ये स्कीम का मेंशन इसलिए किया हूं जी कि असम में गरीबों को जो आक्रमण होता है, पॉवर्टी का ऊपर जो अटैक होते हैं, ये खाली माइया नहीं है, इट इज अ कंपोजिट स्कीम। जो आपने क्वेश्चन किया, हमने उसको सशक्त बनाने का कोशिश करता हूं। ये हम लोग लंबी बातचीत कर रहे हैं मैया सम्मान योजना पे, क्या ये आप लोगों के लिए समस्या का एक देखिए, ये समस्या हेमंत सोरेन जी को चुनाव का परिणाम देने के दिन पता चल जाएगा। जो भी आप स्कीम लाए उसमें सबसे बड़ा सवाल है क्रेडिबिलिटी। स्कीम से मतलब नहीं, आप झारखंड का लोगों को ऐसा मत समझो कि वो पॉलिटिक्स नहीं समझ सकते। पहला उनका मन में प्रश्न होगा कि ये पार्टी 5 साल से है, लास्ट 2 महीना में ये क्यों स्कीम लाया, ये नंबर वन। नंबर टू, उनको तमाम वादा याद है, सोने का सिक्का से लेकर पेट्रोल डीजल तक फ्री देने, 22 रुपया में देने तक तमाम वादा उनको मालूम है और जेएमएम ने लिखित दिया था 2,000 रुपया सूला खर्चा से लेकर। अभी सारे वादा को दबाने के लिए अब जबरदस्त माइया कर रहा है। लेकिन आपे आपने आपका जो काम है, आपने एक प्रकार बुलडोज चला रहा है। अगर हेमंत सोरेन जी को कोई प्रश्न करता है आपने नौकरी क्यों नहीं दिया माइया, आपने सोने का सिक्का क्यों नहीं दिया माइया, आपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर क्यों लीक करवाया माइया, आपने पेट्रोल डीजल क्यों नहीं दिया है माइया, तो माइया एक बार हेमंत सोरेन जी का कैलकुलेशन में गलती हो गया, माइया का बात बाद में सोचेगा, माइया पहले अपना बेटा बेटी का बात सबसे पहले सोचेगा, ये बात हेमंत सोरेन जी को गलती हो गया। आप पे 2-3 सीरियस एलिगेशन भी है। एक तो एलिगेशन है कि आप मतलब एक समाज का एक तबका को आप देखना ही नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो भारत से एकदम घुसपैठियों को हम देखने ही नहीं चाहते एकदम। अच्छा आप ये बात आप खुल के सुन लीजिए, मैं घुसपैठियों को देखने ही नहीं चाहता।
लेकिन असम में आपने लागू किया एनआरसी, उसका फलाफल क्या हुआ? पूछा जा रहा है कितने लोगों को चाइना भेज दिया? सौदा मैं बोल देता हूँ, कोई कोई गलत फहमियाँ होते हैं। असम में हमने एनआरसी बनाया, 16-17 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया कि ये लोग घुसपैठी है। लेकिन हमारा जो अपना अंदाज है, ये संख्या 30 लाख तक जाना चाहिए था। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया हूं कि हमें एक बार रिविजिट करने का मौका दीजिए। जब अगर हम रिविजिट का मौका मिल जाता हूं, ये संख्या बढ़ेगा। पहला असम में जैसे हमने 17 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया, बांग्लादेश ये लोगों को कभी नहीं लेगा, ये हम जानता हूं। लेकिन हम कम से कम उनको वोटर लिस्ट से तो नाम काट सकता हूं, सरकारी सुविधाओं से तो उनको हम काट सकता हूं, उनको हम एक जो नॉन सिटीजन का स्टेटस है, जो हमारा बहुत सारे अमेरिका वगैरह में बहुत सारे नेशन में ये सिस्टम है कि आप रह सकते हो बट यू विल नॉन सिटीजन। लेकिन झारखंड का मामला अलग है। हमारा बीमार 7 साल का पुराना बीमार है, झारखंड का बीमार नया है। तो मैं तो हमेशा मुझको जब क्वेश्चन पूछते हैं असम में आप क्या किया, ये जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। ये समस्या मैंने नहीं बनाया, कांग्रेस का लोगों ने बना के किया है, तो उसका जवाब कांग्रेस देगा। लेकिन आप मुझको पूछ सकते हो कि आप इससे संशोधन करने के लिए आपने क्या किया। मैंने घुसपैठी उसे, चंडीगढ़ जितना स्क्वायर किलोमीटर है इतना जमीन में घुसपैठी उसे एनक्रोचमेंट हटा के मैंने निकाला। हर दिन में मेरा ट्विटर आप लोग फॉलो कीजिए, हर दिन में बांग्लादेश से आए हुए 20-22-17 घुसपैठियों को पकड़ता हूं और एनआरसी का काम भी मैं कर रहा हूं हर दिन। मेरा प्रतिबद्धता है, लेकिन आपका प्रतिबद्धता नहीं है, यह सबसे बड़ा बात है। तो आपको कहां लग रहा है कि सरकार फेल्योर है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रहा है सरकार उस पर, मतलब आपको लग रहा है कि लूंज पूंज व्यवस्था कायम रखी है या सरकार का नेचर है? इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, हेमंत सोरेन जी घुसपैठियों का पक्ष में है कि विपक्ष में है? अगर वो ऐलान कर देते हैं कि मैं घुसपैठियों का विपक्ष में हूं तो तमाम रास्ता खुल जाएगा। पहला बात है, क्या घुसपैठी मेरा वोट बैंक है? क्या बोलना पड़ेगा? नहीं। क्या घुसपैठी उसे मेरा विरोध है कि सपोर्ट है? बोले मेरा विरोध है, तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बैठ के हम लोग रास्ता निकाल लूंगा। सरकार तो बोल रही है हमारे यहाँ घुसपैठी है ही नहीं। नहीं, वही सवाल है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल रहा है कि जो केंद्र के तरफ से हल्फनामा दायर किया गया हाईकोर्ट में, उसमें केंद्र भी ये मान रही है कि अब तक एक भी घुसपैठिए नहीं मिले हैं। देखिए, आप ये प्रश्न को आप मुझको पूछ रहे हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा दिन पहले मैं पाकुड़ गया था। पाकुड़ में 20 साल पहले एक हिंदू विधायक हुआ करते थे, उनसे मेरा मुलाकात हुआ। मैं उनको पूछा, चुनाव लड़ना है आगे बार? बोले नहीं साहब, मुझको चुनाव नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? बोले अभी तो कोई हिंदू यहाँ चुनाव लड़ के फायदा नहीं है, मतलब डेमोग्राफी चेंज हुआ है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण क्या है? क्या झारखंड में जो ओरिजिनल मुसलमान लोग रहते थे उनका इतना क्षमता है पूरा एक इलाका का डेमोग्राफी सेंस कर देने का? ये आपको करना है। मैं हेमंत सोरेन जी को यही पूछ रहा हूं, एक बार अगर सारे लोग बोल रहा है कि घुसपैठिया है, एक बार आप 2009, 2016, 2019, 2026 का वोटर लिस्ट में आप कंपैरिजन लाइए कि संथाल में ये नया लोग जिसका नाम वोटर लिस्ट में आया, ये लोग कहां से आया? इतना तो हम मिलके कर ही सकता हूं। एक एफिडेविट तो वो आपसे चाहते हैं। क्या बोल के? कि 2014 के बाद एक भी ट्रेसपासेस नहीं हुए हैं, ये एफिडेविट दे मतलब क्या है?
मतलब आप मुझसे लड़ना चाहते हो, आपको मेरे से लड़ना नहीं, आपको घुसपैठियों से लड़ना चाहिए। ये लोग तो बोल रहे हैं कि आप बार बार पूछते हो आप क्या किया। अरे आप झारखंडिया है, ये आपका प्रदेश है, मोदी क्या किया नहीं किया मोदी को जवाब मांगा जाएगा, आपत्ति नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड के लिए क्या करके गया है? क्या दूसरे को आप बॉल शिफ्ट कर देगा और उसी में आपका समस्या समाधान हो जाएगा? थोड़ा तो सोचिए। आप शिबू सोरेन जी का बेटा है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि झारखंड के लिए, झारखंड के लिए आप अपना पिता ने सर्वस्व त्याग कर दिया था, घुसपैठियों के लिए नहीं, झारखंडियों के लिए उन्होंने संग्राम किया था। क्या आप घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कि बीजेपी को और खास करके हिमंता बिस्वा सर्मा को मतलब रह रह करके क्यों सिर्फ मुसलमान याद आते हैं? देखिए, आपको घुसपैठियों का बहाना में मैं मुसलमान को टारगेट कर रहा हूँ या मुसलमान का बहाने में मैं घुसपैठियों को टारगेट कर रहा हूँ, ये मेरा विषय है। लेकिन आपका विषय ये नहीं, मेरा विषय मेरा रहने दीजिए। आपका विषय सार्वजनिक विषय है सर, आप कुछ भी बोलते हैं। मेरा व्यू स्ट्रांग है, आप लोग भी जानते हैं, और उसके लिए मैं अपोलॉजिटिक नहीं हूं, सबसे बड़ा बात है। दूसरा बात ये बात है कि मेरा व्यू फर्क नहीं पड़ते है, चुनाव का बाद मैं आसाम चला जाऊंगा जी, लेकिन झारखंड का जनता का व्यू क्या है? क्या आप घुसपैठियों का साथ रहना चाहते हैं और घुसपैठियों से मुक्त झारखंड आपको चाहिए? यह निर्णय आपको लेना है। मतलब आप इस मुद्दे पे एक जो राय रखते हैं मजबूती से कि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, पिछला भी इंटरव्यू जब मैंने आपसे किया कि ये मसला देश का है, ये मसला देश का है, ये मसला झारखंड का है। 14% टू 16% डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, आदिवासी समाज घट के 22% हो चुका है, और आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं हेमंत सोरेन जी को यही बताऊंगा कि देखिए, आप राजनीति से ऊपर उठिए और घुसपैठियों का खिलाफ जो आंदोलन है उसका नेतृत्व आप ले लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं। वो तो आपसे पहले सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमको दे दीजिए आइडेंटिटी। देखिए, सरना धर्म कोड का जो मामला है या जो भी तमाम मामला है उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। तो केंद्र में तो मेरा सरकार है, सरकार है, वार्तालाप होगा, बातचीत होगा। हम थोड़े आदिवासियों का अगेंस्ट में हूं, आदिवासियों। देखिए, आदिवासियों का जो भी मांग है अगर वो मांग उनका अस्तित्व का साथ है, हमें उनको सुनना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा व्यूज एकदम क्लियर है। हेमंत सोरेन जी से भी बातचीत होती है आपकी? देखिए, कभी कदर मीटिंग में मिलता तो हैंडशेक हाई बाय हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। कैसे लगते हैं आपको? देखिए, यही है, अगर व्यक्ति का, भगवान ने व्यक्तियों को मुख्यमंत्री का आसन में बैठने के लिए जी, अगर आपको भगवान ने सुविधा दिया है, दैट मीन्स यू आर द चॉइसेस्ट सन ऑफ द गॉड। बिल्कुल, आप भगवान का वो संतान है जो भगवान 3 करोड़ लोगों से आपको सुन, आपको ही सुना है। ऐसा काम करके जाओ जो झारखंड का जनता 100 साल तक आपको याद करेगा। हमारे से लड़ने से आपको जनता याद नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी से लड़ने से जनता आपको याद नहीं करेगा। झारखंड को विकास का तीर्थ बनाओ, झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करो, झारखंड को देश का प्रथम पास स्टेट तक लेके जाओ, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सिक्का देना नहीं देना, ये जो आप झारखंड का जनता का साथ खिलवाड़ करते हैं ना, इससे आपका प्रतिष्ठा कम हो जाते हैं। आप बहुत टैक्टफुली गुरु जी का नाम लेते हैं, बहुत सम्मान के साथ, हालांकि गुरु जी टैक्टफुली नहीं, सम्मान का साथ। मैं उसको मैं सम्मान के साथ मैं बोल रहा हूं। आपको एक बात हमेशा याद में रखना चाहिए, हाँ, कि गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन जी ही नहीं है, गुरु जी का बेटा दुर्गा सोरेन भी है। आपको ये भी बात याद रखना चाहिए। मैं बिल्कुल, पूरे सारे लोग को ये याद रहता है, हाँ।
मैं बोल रहा हूँ कि आप एक तरफ जो है उनको ये बोल रहे हैं कि गुरुजी के बेटे हैं और आपने को मौका भी दिया झारखंड ने, दूसरी तरफ उनके चाचा जी को आप तोड़ के लेके चले गए चंपाई सोरेन जी। संपाई जी का जो प्रतिष्ठा है मैं तोड़ने का हिम्मत रखता हूं, वो मेरा पिता का समान है, क्या मैं उनको तोड़ सकता हूं? वो तो मुझको ऑर्डर देगा ये करो वो करो, मैं हेमंत सोरेन जी से जैसा नहीं हूं, मैं तो उनका सामने में क्या हूं। संपाई सोरेन जी जैसा सीनियर लीडर है, देश का आदिवासी का प्रमुख नेता है, मैं उनको सम्मान करता हूं और उनको खींच के लाने का मेरा हिम्मत नहीं है। लेकिन जिस दिन उनकी मुलाकात हुई अमित शाह जी से, दोपहर में आप यहां पे रक्षा राज्य मंत्री हैं उनके आवास पे आप गए हुए थे, आपने एक बयान दे दिया कि पिछले 6 महीना से आपकी बातचीत होती एकदम है। तो उस बयान के बाद तो चंपाई सोरेन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं, उठने लगा। मैं जब संपाई सोरेन जी पहला मुख्यमंत्री बना जी, पहला फोन मैंने उनको किया अभिनंदन देते हुए, मतलब डेवन से आप लग गए थे? नहीं, तब तो मेरा झारखंड से कोई संबंध ही नहीं था। नहीं ऐसा आरोप, तब तो लोकसभा चुनाव का पहला का बात है, इसलिए मैंने हिस्ट्री पढ़ा जी, और व्यक्ति का ऊपर एक सम्मान और एक मुख्यमंत्री का नाते से मैं उनको अभिनंदन किया और तब से लगातार हम लोग संपर्क में रहा, लेकिन पॉलिटिकल बात में कभी नहीं करते थे। लेकिन अभी जो सरकार है यहाँ पर वो आरोप लगाती है कि 4 बार आप लोगों ने लोटस ऑपरेशन एक तरीके से अटैक किया और 4 बार हिमंता जी का ही नाम आया। देखिए मेरा इसमें कोई छुपाने वाला बात नहीं है, आपका तो एक बार नहीं कोई छुपाने वाला बात नहीं है कि बीजेपी का सरकार झारखंड में आना चाहिए। मैं इसका पक्ष में हूं कि जनता का राय से हमारा सरकार बने और वही हमारा काम है। लेकिन आप एक बात देखिए, कांग्रेस जब कोई सरकार गिराता है उनका नाम हैंड ऑपरेशन नहीं होते हैं, उनका नाम भी तो हैंड ऑपरेशन होना चाहिए। शिबू सोरेन जी का किसका साथ सरकार था? बीजेपी का ही साथ सरकार जी, तो कैसे वो सरकार कांग्रेस का साथ हो गया? वो क्या हैंड ऑपरेशन नहीं था? वो बात हमें बताइए आप। ज्वाइंट ऑपरेशन भी आप लोग बीच बीच में चलाते रहे, कोई बात नहीं है, जो मेन ऑपरेशन है चुनाव का दिन ईवीएम में ही चलेगा, वो जनता का राय से चलेगा, आप निश्चित होकर रहिए। सवाल और हम लोग कर लेते हैं, फिर यहाँ जो जनता आई है वो आपसे सवाल करेगी। एलिगेशंस पे ही बात करते हैं, हेमंत जी और उनकी सरकार और जेएमएम ये कह रही है कि आप जो लगातार सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आ जाते हैं झारखंड, आसाम की जनता आपका खर्च उठाती है और आसाम की गलत बात है, मेरा पार्टी मेरा खर्चा उठाता है, आसाम का जनता से एक पैसा भी नहीं लिया जाता है। मतलब क्या इसका पेमेंट सरकार नहीं करेगा? नहीं करेगा। मेरा रहने का, मेरा आने का जाने का खर्चा 100% बीजेपी करेगा, आसाम सरकार 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेगा। एक जो सबसे बड़ा सवाल आपसे जुड़ा हुआ है खास करके झारखंड में, और एक बार मैं बताता हूँ, संपाई सोरेन जी जब मुख्यमंत्री रहा पहला बार मैं यहाँ आया, संपाई सोरेन जी हमें स्टेट गैस डिक्लेयर किया था, मैं विनम्रता पूर्वक उनको बोला देखिए मैं आपको अटैक करने के लिए आया हूँ, आप मुझको स्टेट गैस मत दीजिए, मेरा कोई खर्चा आप मत उठाइए, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये मेरा पॉलिटिकल दौरा है और उसका साथ सरकार का ना झारखंड गवर्नमेंट का खर्चा होना चाहिए ना आसाम सरकार का। एक सवाल है जिसका जवाब आप दे चुके हैं, बड़ा तरीके से दिए हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि फॉलोअप के इस मंच पे भी आप उस चीज़ को एक दोहराएं। एसटी को जो रिजर्वेशन का जो दर्जा की जो मांग रही है, हालांकि यहाँ के आम लोगों की ये मांग है कि जो आसाम में जो चाय बागान में जो लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री ने बाकायदा जो हेमंत सोरेन है आपको पत्र लिख दिया। देखिए इसमें मुझको हेमंत सोरेन जी को सपोर्ट चाहिए, मैं पत्र भी उनको लिख रहा हूँ, कल्पना लिख चुके हैं कि आप लिख दिए, मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बिजी हो तो भेज दूंगा। कल्पना सोरेन जी उड़ीसा से आते हैं और वो संथाली है, लेकिन वो झारखंड में रिजर्व सीट में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, कारण क्या है? मतलब हेमंत सोरेन जी जो न्याय
अपना पत्नी को नहीं दे सकता है, क्या वो न्याय मैं अकेला दे सकूंगा? ये मतलब हमारा संविधान में ये लिखा हुआ है कि आदिवासी वही स्टेट में होगा जो स्टेट का ओरिजिनल निवासी होगा, जहां का ओरिजिन, जहां का होगा। उसका कारण कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, ये दोनों महिलाओं को आदिवासी होने का बावजूद यहां में रिजर्व सीट में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। ये तो ये है सांविधानिक मसला। लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन जी ने यह डिमांड नहीं उठाया कि यह जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन उद्रो कर देना चाहिए। वो तो आदिवासी नेता है जी। आदिवासी का डिमांड पहले कौन उठाएगा? आदिवासी उठाएगा, बाद में हम लोग खड़ा होगा। तो मैं हेमंत सोरेन जी को पत्र लिख रहा हूं कि आप लोग तमाम आदिवासी नेता भारत सरकार को गुहार लगाइए कि एरिया रेस्ट्रिक्शन उठा दीजिए। बिल्कुल। तब मध्य प्रदेश का जनजाति भी छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ का जनजाति भी झारखंड में होगा, झारखंड का जनजाति भी उड़ीसा में होगा, और झारखंड का जनजाति को भी असम में जनजाति मर्यादा मिलेगा। लेकिन ये निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं, उसमें हो सकता है कि उनका ही विरोध है। तो इसीलिए पहले सैद्धांतिक रूप से जेएमएम ये बात लोगों का सामने बोलना चाहिए कि एरिया रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए नहीं चाहिए। अगर एक बार हेमंत सोरेन जी बोल देते हैं कि एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, आप मेरा वादा यहां लिख के लीजिए, मैं भारत सरकार से इतना एग्रेसिवली इसको परस्यू करूंगा। कल्पना सोरेन जी भी यहां शेड्यूल ट्राइब सीट में खड़ा होने के लिए उनको भी पावर और उनको भी अथॉरिटी मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये जो चाय बगान का जो मसला है एसटी, लेकिन और दो बात मैं बोल देता हूं जी। एरिया रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाया है, फिर भी असम असेंबली ने झारखंडी लोग जो असम में है जी, उनको जनजातिकरण करने के लिए हमने प्रपोजल भेजा। शेड्यूल ट्राइब कमीशन ने इसको रिकमेंड किया और राज्यसभा में अभी वो बिल लंबित है। जब तक वो काम नहीं होते हैं, बिल लंबित है, राज्यसभा करेगा, तब तक मैं असम का हर नौकरी में 3% झारखंड की मूल वासियों को रिजर्वेशन दे रहा हूं। यह बात हेमंत सोरेन जी आपको नहीं बताएगा। दूसरा, जो लोग झारखंड से गए हैं उनके लिए मैं 30 मेडिकल सीट देता हूं। जो लोग झारखंड से जाते हैं उनके लिए मैं आदिवासी बनांसली नहीं जी, आदिवासी कल्याण डिपार्टमेंट खोला हूं। साल में 200 करोड़ रुपया खर्चा करता हूं मैट्रिक स्कॉलरशिप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए। और जहां में झारखंडी लोग रहता है उनका रास्ता बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हर साल में 1000 रुपया खर्चा करता हूं, 1000 करोड़ रुपया खर्चा करता हूं। इतना खर्चा तो झारखंड सरकार झारखंड का आदिवासियों के लिए नहीं करते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि पैसा ही नहीं है, 1,36,000 करोड़ का ये जो आप क्या मिला सवाल पूछ रहे हैं। आज इन लोगों ने एक कैंपेन चालू किया है, इनकी पार्टी की तरफ से विज्ञापन अखबारों को दिया गया है, ये पूछ रहे हैं कि कब मिलेगा, क्या मिला का जो जवाब है वो कब मिलेगा से आया। तब मिलेगा जी जब झारखंड में आप प्रूफ करेगा कि आपको ये पैसा मिलना सही है। ममता बनर्जी भी बोलते हैं हमें 1,00,000 रुपया मिलना, पैसा मिलेगा तब। इतना ही सिंपल बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया है, वो असम में भी नहीं मिल रहा था जी, हमारे पेट्रोल को भी नहीं मिल रहा था। मैंने एडवर्टाइज तो नहीं निकाला, पेट्रोल और कोल में और गैस में जी, हमें भी वो पैसा नहीं मिल रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट को जाके बोला, भारत सरकार अपना बातें रखा, मैं मेरा बात रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट को मिलना चाहिए, मिल जाएगा अभी, सिंपल बात है। दो तीन सवाल और कर लेते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से आए और बीजेपी में छा गए, यहाँ भी बहुत लोग सशंकित हैं कि हेमंता जी दूसरे दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं उनको माला पहना दे रहे हैं, तो हमारा क्या जो बीजेपी में पिछले 40 साल से है, 50 साल से है। देखिए, बीजेपी का जो लक्ष्य है
वो सागर है, नदिया आके सागर से मिलते ही रहेगा जब तक एक प्रसन्न भारतीय संस्कृति का आधारित हमें एक शासन व्यवस्था नहीं मिलूंगा। और इसीलिए जो भी हिंदू कांग्रेस में रहते हैं, जो भी आदिवासी जेएमएम में रहते हैं, मैं हमेशा उनको बुलाता है कि आ जाओ एक साथ मिलकर लड़ूंगा। पिछली सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिससे संघ नाराज हो गया था और माना जाता है कि बीजेपी को गद्दी में बैठाने में सबसे अहम भूमिका संघ की होती है। देखिए इस बार क्या उनका रुख है, यहाँ स्टेट में आपको साथ मिल रहा है? देखिए संघ एक बड़ा संगठन है, संघ का एक विचारधारा है और मेरे जैसा व्यक्ति संघ का ऊपर कमेंट देने के लिए ना मैं सक्षम हूँ ना मैं उपयुक्त हूँ। तो मैं गठबंधन क्लियर हो गया सर, स्पष्ट हो गया चूंकि सुदेश जी लगातार मिल रहे हैं आपसे। देखिए अगला सेशन भी उन्हीं का है, सुदेश महतो जी का। जनता दल आशु, अगर आप लोगों में से कोई सवाल करना चाहता है तो कृपया हाथ उठाइएगा। जनता दल और आशु हमारा अलायंस में है। पहले अपना परिचय, सीटों का तालमेल का कुछ इश्यू ये है जी। मेरा लगता है कि फास्ट वीक तक ये रिजॉल्व हो जाएगा। एक सवाल सर दर्शक दीर्घा से आ रहा है, पूछिए सवाल, पूछिए जी। नमस्ते, मेरा नाम सुधीर पाल हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं और झारखंड में आपने जैसे क्रिकेट की भाषा में हम लोग कहते हैं कि क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर, तो आपने एक नैरेटिव गढ़ दिया आप सबको उसी पिच पर बैटिंग करनी। तो मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि कुछ दिनों पहले आपने कहा राष्ट्र हित आपके लिए बीजेपी से ज़्यादा बड़ा है। हेमंत जी भी कहते हैं कि आदिवासी हित हमारे लिए सबसे बड़ा है और आप भी कहते हैं आदिवासी हित सबसे बड़ा है। अगर झारखंड के विधानसभा चुनाव में ये स्थिति बनती है तो क्या आदिवासी हितों का ख्याल करते हुए हेमंत जी के बारे आप सोचेंगे मुख्यमंत्री के लिए? उनको बोलना पड़ेगा कि मैं घुसपैठियों का खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल, तब आप विचार कर लेंगे, तब कोई समस्या नहीं है। ठीक, हमारे लिए समस्या घुसपैठी है, हमारे लिए समस्या हेमंत सोरेन नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये साफ मैसेज है कि द्वार खुला हुआ है। दूसरा कोई सवाल? एक मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, तमाम लोगों के लिए बीजेपी का द्वार खुला है जो घुसपैठियों का खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आगे आएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरा कोई सवाल अगर लेना चाहे? अच्छा वो कुछ तीरथ हैं, ये पत्रकार हैं साथी, हमारे साथ पहले जुड़े हुए भी थे। हेमंत सोरेन मैया मैया कर रहे हैं और बीजेपी मियां मियां कर रही है, ये पूरी बातचीत में लगा। मेरा सवाल इन दोनों से थोड़ा अलग है, जो सवाल शायद कोरिलेट करेंगे लोग। मंत्रियों का 75 करोड़ का आवास बन रहा है और हजारों लोगों के पास आवास नहीं है, दोनों मौन हैं। विधायकों के वेतन भत्ते लगातार बढ़ रहे हैं, दोनों मौन हैं। नेताओं के इलाज के खर्च करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं आज भी, लेकिन कई लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, दोनों मौन हैं। जनता के घर तक सड़क नहीं पहुँची है लेकिन फॉर्च्यूनर और इंडिवर बढ़ता ही जा रहा है नेताओं और मंत्रियों के कारकेट में। तो क्या इन सवालों पर मैया और मियां दोनों करने वाले लोग क्यों कभी नहीं ना तो विधानसभा के अंदर बहस करते हैं और ना बाहर कहीं कुछ दिखाई? देखिए ये मैया और मियां ये दोनों से मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा असम में मुझको तो मियां बोलना ही पड़ेगा, किसलिए? उसी से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर एक प्रदेश का अस्मिता खत्म हो जाने का रास्ता में होते हैं तब कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। असम का लोग भी साथ है, बाकी समस्या मेरा बाद में समाधान हो, ये समस्या पहले समाधान हो। झारखंड में मेरा यही होगा कि हमारा मूलभूत समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो उनको रिलीज करेगा, तमाम बातें उनका ऊपर बताएगा, लेकिन कृपा करके घुसपैठियों का समस्या को नजरअंदाज मत कीजिए, आपको खा जाएगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। एक बाबा, अच्छा कोई सवाल? कुछ सवाल स्टूडेंट जो आए हुए हैं, हाँ, वो सर जानना चाह रहे हैं। मास्कॉम के बच्चे हैं, मास्कॉम के बच्चे हैं सर ये लोग। जोहार सर, मैं अंकिता बर्दियार, आमिट यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता और जनसंचार की छात्रा। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि JSSC CGL परीक्षा को लेकर इस बार झारखंड में बहुत ही एहतियात बरते गए
यहाँ तक कि झारखंड में 2 दिनों के लिए इंटरनेट तक बंद करवा दिया गया था, लेकिन सर फिर भी छात्र लगातार धांधली को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सर, विपक्ष के इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी छात्राओं को मिला था हजारीबाग में। ये लोग काफी आक्रोशित है, काफी दुखी है कि क्वेश्चन पेपर लीक किया गया है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा कि छात्राओं को उनको अपना ऑफिस में बुलाना चाहिए। छात्रा जो भी प्रूफ दे रहा है, हेमंत सोरेन जी उनको देखना चाहिए और उनका ऊपर उनको स्टेप लेना चाहिए। इसलिए ये जो तमाम छात्रा है, ये हेमंत सोरेन जी का ही बेटा बेटी है। अभी आपसे पहले हेमंत जी आए हुए थे झारखंड सीएम, उनसे भी ये सवाल पूछा गया फॉलो अप के जरिए, तो वो बोल रहे हैं कि आयोग स्वतंत्र है और आयोग ये जांच कर रहा है, लेकिन एक एश्योरिटी दे करके गए हैं फॉलो अप के मन से, हालांकि पहली दफा आज वो बोल करके गए यहाँ से कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हम लोग ध्यान रख रहे हैं। देखिए, ये जो एग्जाम है, लगातार क्वेश्चन पेपर लीक, एग्जाम कैंसलेशन सिलसिला जारी है जी। हेमंत सोरेन जी को आज को ही, किसलिए, उनका हाथ में तो और 7 दिन है, 10 दिन है। मेरा निवेदन होगा, कोई बात में हम लोग राजनीति नहीं करता हूं, मेरा निवेदन होगा हेमंत सोरेन जी छात्राओं को बोलाए अपना ऑफिस में, उनका जो भी बात है उनको शांति से वो सुने और एक पिता होने का जिम्मेदारी निभाते हुए वो निर्णय ले, ये मेरा उनके लिए रिक्वेस्ट हो। एग्जाम के दौरान जैसे इंटरनेट बंद हुआ, बीजेपी ने काफी आलोचना की सरकार की, आपने भी असम में एग्जाम दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। मैं जब भी हमारा बड़ा एग्जाम होते हैं, हम इंटरनेट बंद करता हूं और हाई कोर्ट में इसका ऊपर केस चला। हाई कोर्ट ने राय दिया कि असम गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है ये बहुत ही पायस है, अच्छा इंटेंशन है, इसीलिए हम असम सरकार का सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। आपका अगर इंटेंशन सही है, वही अगर इंटेंशन हेमंत का है तो वो बुरा कैसे? देखिए, हाई कोर्ट देखता है इंटेंशन क्या है। कभी कभी इंटरनेट इसलिए बंद कर दिया जाता है कि क्वेश्चन पेपर लीक सहज हो, और कभी कभी इसके लिए इंटरनेट बंद किया जाता है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। हाई कोर्ट का जो इसका ऊपर कमेंट होता है, मैं उसको ही आपको कोट करता हूं। असम में यह क्वेश्चन हाई कोर्ट तक गया, हमने प्रूफ करके हाई कोर्ट को दिखाया कि हमारा इंटेंशन साफ है, और जो लोगों को नौकरी मिला, असम में बाकायदा टीवी चैनल उनका इंटरव्यू लेते हैं, कोई रिक्शा वाला का बेटा, ठेला वाला का बेटा, ऐसा ही लोग असम में नौकरी मिलते हैं। यहाँ भी हम लोग करते हैं इंटरव्यू। खैर, एक सवाल ये है सर, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले से झारखंड बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी जी, बड़े चेहरे हैं झारखंड में, बावरी जी बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी जी, उसके बाद लगातार अब आप आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, 5-6 चेहरे हैं, संगठन महामंत्री हैं, अगर इन सबको जोड़ लें तो 7-8 चेहरे ऐसे हो जाते हैं जो डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या पॉलिटिक्स होगी आगे बीजेपी की झारखंड में। जो दावेदार हैं वो काफी परेशान हैं, चिंतित हैं हम लोगों से। दावेदार मतलब किसका? जो टिकट के जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको लगता है कि हेमंता जी के पास जाएं कि अमर बावरी जी के पास चल जाएं। मैं एक बात विश्वास करता हूं, जो टिकट का दावेदारी करता है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। मतलब आप अचानक से किसी को टिकट देंगे? आप हीरे की तलाश कर लेते हैं। ये हमारा पार्टी को ओ लेवल तक उठना चाहिए कि कार्यकर्ता का जो भी टिकट मिले वही हमारा नेता है। इसलिए जो भी मेरा पास टिकट मांगने के लिए आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं, भाई नहीं मांगने वाला कहां है, उसको ढूंढ के नाओ। संजय जी और पांडे जी, ये जो मांगते हैं उस वो तो अपना अपना तर्क देते हैं, जो नहीं मांगते हैं साइलेंटली काम करता है पार्टी, उनको ढूंढ के निकालना चाहिए। आप क्या लग रहा है संजय? एक मिनट, आप दोनों को हमेशा सवाल पूछने का मौका मिलता है, आगे भी मिलेगा। जो लोग सामने बैठे हैं उन्हें शायद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि सामने से सवाल कर सकें, इसलिए जल्दी से छोटा छोटा 2-3 सवाल एक साथ ही पूछ लीजिए,
सभी का कंबाइंड जवाब दे देंगे। अब देखिए आपके बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। पीछे हेमंत भाई, सवाल ये है कि बीएसएफ को 50 किलोमीटर का दायरा आपको मिला हुआ है कि बीएसएफ कार्रवाई कर सकती है घुसपैठियों के लिए, बीएसएफ को 15 किलोमीटर से बढ़ा के असम में 50 किलोमीटर का दायरा दिया है कि बीएसएफ कार्रवाई कर सकती है, तो आप घुसपैठियों के साथ स्टेट मिशनरी में क्या रोल है जो आप बोलते हैं कि हम असम में कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए स्टेट सेंट्रल का क्या रोल है? आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, ये जो हमारे बॉर्डर है 4000 किलोमीटर्स का बॉर्डर्स है, ये जो हमारा बॉर्डर है ये 4000 किलोमीटर है बॉर्डर पोरा से। जवाहरलाल नेहरू जी का समय से ही यह निर्णय हुआ था बीएसएफ विल एक्ट एज ए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड स्टेट पुलिस विल एक्ट एज ए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो बीएसएफ 100 को रुकाता है लेकिन फिर भी जो अंदर आते हैं एज ए सेकेंड लाइन डिफेंस, इसको स्टेट पुलिस प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जब बीएसएफ और स्टेट पुलिस एक साथ होके काम करते हैं तब आप 100% घुसपैठियों को रुका सकता है। असम और मेघालय त्रिपुरा में हम लोग बीएसएफ और स्टेट पुलिस एक साथ काम करता हूं, अभी जब कांग्रेस का शासन में वो नहीं होते थे, लेकिन बंगाल पुलिस और बीएसएफ एक साथ काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही समस्या है। और कोई भी नेशन का समस्या आप ये भी बोल सकते हैं सीमाओं में तो आर्मी है, लेकिन आर्मी होने का बावजूद कश्मीर में कैसे घुसपैठिए आते हैं? कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होते हैं, ये सिस्टम को स्ट्रेंथन करना हमारा दायित्व होता है। हेमंत सोरेन जी रास्ता निकाल रहे कि बीएसएफ तो है, मैं क्या करूंगा, लेकिन हमको बोलना चाहिए भाई नहीं, झारखंड का भविष्य के लिए बीएसएफ और झारखंड पुलिस एक साथ काम करेगा, हमारा चिंता उस लाइन में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अस्पष्टवादिता के साथ हेमंता बिश्व शर्मा बोलते हैं और यही वजह है कि सप्ताह में 2 दिन आने के बाद भी इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग इन्हें सुनना चाहते हैं, और फॉलोअप का यही प्रयास था कि इन्हें मंच पर बुलाया जाए और खास करके जो सामने बैठे लोग हैं उन्हें सवाल पूछने का मौका मिले। सर आपने इतने बेशकीमती समय से समय निकाला, चूंकि कल प्रधानमंत्री का भी दौरा होना है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। फॉलोअप की तरफ से तहे दिल से बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।